गाइस आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिव्या अग्रवाल की होने वाली है शादी। जी हां, दिव्या अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अपूर्व के साथ घर बसाने जा रही हैं। उनकी शादी उनके घर पर होगी और वो अपनी शादी को लेकर है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। और शादी से पहले की जो रस्में हैं वो भी हो गई है शुरू। जी हाँ, उनकी बीते दिन हुई है कॉकटेल पार्टी, जहाँ पर बहुत सारे सितारों ने भी शिरकत की। और खास करके इस कॉकटेल पार्टी में दिव्या और अपूर्व ना एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते नजर आए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो गाइज आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में कितने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं दिव्या और अपूर्व साथ में। जी हाँ, केक को भी काटते नजर आ रहे हैं दोनों। दिव्या अपने होने वाले पति अपूर्व के साथ काफ़ी रोमांटिक होती नजर आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश है दोनों, काफ़ी एक्साइटेड है। दोनों की शादी होने वाली है और दिव्या क्लियर कर चुकी है कि वो अपनी शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली हैं। वो विदेश में नहीं बल्कि इंडिया में, जी हाँ, मुंबई में अपने घर पर ही अपनी शादी करने वाली है। उनकी शादी काफ़ी सिंपल तरीके से होने वाली है और उन्होंने कहा है कि वो अपने पति से करती हैं काफ़ी प्यार, अपने प्रोफेशन को वो कभी नहीं छोड़ेंगी। और यहाँ तक कि अपूर्व दिव्या को करते हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और दिव्या है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और बीती शाम उन्होंने किया है काफ़ी इंजॉय, क्योंकि उनकी थी कॉकटेल पार्टी जहाँ पर वो सिल्वर लहंगा पहने काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं उनके जो होने वाले दूल्हे राजा हैं वो ब्लैक कोट पैंट में काफ़ी जच रहे थे। दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। जिसने भी दोनों को देखा वो देखता ही रह गया, क्योंकि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग, जो कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही थी, जो दोनों के बीच में तालमेल दिख रहा था वो काफ़ी कमाल का था। बीती शाम आप कुल मिलाकर देखें तो दिव्या ने होने वाले पति अपूर्व के साथ कॉकटेल पार्टी को जमकर किया है इंजॉय और तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।